ਅਸੀਂ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਨੁਬਰਾ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲ ਜੀਏ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਢਾਬੇ ਵੀ ਬੰਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਦੇ ਆ 10 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇੜਾ ਖੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆ ਦਸਤਾਨੇ ਆਪਕੇ ਇੱਧਰ ਫੜਾ ਦਿਓ कुछ खाना है वर्ल्ड का हाईएस्ट कैफे भी है 18,000 फुट की हाइट जैकेट कर लो मैं ठीक हूँ हम कनाडा से आए हमारे लिए माइनस एक कुछ भी नहीं है वॉशरूम है वॉशरूम है क्योंकि इधर आ जाओ मेरी लाइफ का यह बेस्ट बाथरूम होना है व्यू देखो तो हाईएस्ट पॉइंट मैं अपना करूंगा काम ध्यान ना आइयो स्लिपरी है थोड़ा ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਆਜੋ ਆਜੋ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚਾਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਇਹ ਸਲਿਪ ਨਾ ਹੋ ਜੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇਹ ਹਜੇ ਸਨੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਵੇਖ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਏ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬੱਜਾ ਅਏ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬੱਜਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਈਏ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਹੋਗਾ ਕੈਲਗਰੀ तीन मैगी तीन चाय जिदा दी भी आज मीठे ना गर्म हो जाऊंगे तो गर्म नहीं होना चाय में मीठा कम रखना थोड़ा मुझको नहीं ठंड लग रही गत्तस्ताने पालो लोड इन ठंडे पर लेके अब ठीक है आ दे वो चार पानी लो चार पानी तो पा दे अच्छा अच्छा हां जी मैं कह रहा हूं पूरी चीन लाके पी जो हौली हौली करके मैं पी नहीं फिर दे दो सिटी होना हजे पी लो एक सिप ना पी नहीं होना मैं एक एक पी मैं यार पी नहीं सकता मैनू मार दियो मैनू जान एक ले लो ना ना एक अक्रील वीडियो करके ला लो चल बड़ा जा फिर इन्हें गर्म करना ना मैं ओके बोल रहा हूं पीने की जल्दी मेंटल पर कॉलेज के पड़ गया जहाँ वो वैसे ऊंट वगैरह मेन वो इस तरफ पारले जी खाओ मेरे तो नहीं खोलता आपे एक मसाला कर दो साथ में चपाती दवे की तंदूर रोटी ठीक है तो पहले तीन लेकर आना चपाती
तीन रोटी एक अंडा मसाला पानी रेगुलर ये बोतल से बोतल बड़ी हो गई प्याज हरी मिर्च देना चपाती क्यूट सी लगाना छोटी छोटी पतली पतली अभी नुब्रा वैली पहुंच गए हैं ठीक है पासवर्ड आ गया है आपके पास कितने दिन हो गए ओके शुक्रिया इसी करो हां ओके बात से शुरुआत पेमेंट कर दो अपन कश्मीर की नुब्रा वैली के पिंड हुंदर दे विच असी रात कटनी है अज भावें असी जिन्ना मर्जी कनेडा तो आई हुई है हाई फाई हो जाइए पर सानू खुशी पिंडा च रह के ही मिलती है क्योंकि सस्ते है दुबई वर्गे शहर च रहन की औकात नहीं हैगी उस टाइम के कुड़ियों के मुँह से थोड़ी जी मिट्टी पै जाए फेस वॉश ना मुँह धोन लग जाती है उस टाइम के हले भी मिट्टी के घर रह रहे हैं रोना आ गया अज जो मैं गैसट हाउस से रह रहा उतो मैं थोड़ा जहाँ पिंड का व्यू दिखाने लगा हाँ आ टेंकी इग्नोर करते हुए आ फिर तो पहाड़ देखो बहुत ही शांत पिंड आ इतने रात को बिजली पक्की कट हो जाती है कोई सैलफोन नहीं कुछ नहीं चलता है थाडा नहीं इतने दिल लगना ये जिहड़ा पिंड आ एक बहुत खास चीज़ लिए फेमस आ वह हैगा ऊंट थानू पुछ लो ना इंडिया च ऊंट कितने पाए जाते तुसीं कहना राजस्थान बस एक ही आंसर पता है पर इतने स्पैशल काइंड के ऊंट है जिदे असीं थानू अज शाम नू दिखावांगे क्योंकि हजे मेरा डैडी सुत्ता पिया है उहदे नाल ही गड्डी च बह के जाना है जिनी देर साडे नाल दे सुत्ते असीं पिंड की गेड़ी मारन चलते हैं तुर के देखो कितना पीसफुल है पिंड का मैनू इस वक्त एक आवाज़ सुनती पई है बस पूरे पिंड हैगी इस नहर की इन्नी शांति है इत्थे बहुत डिफरेंट तरह के गैसट हाउस है इत्थे जे रहना होवे कैंपिंग भी कर सकते हैं असं चलते चलते इस ब्रिज पर पहुँच गए नदी के नीचे का व्यू देख तो प्यास बहुत ज़्यादा लगी है इस करके सब तो पहला अभी नदी का पानी पीवांगे असी अपनी मेन ऊंठा वाली जगह पे पहुंच गए हैं ते चढ़ना है चढ़ जावांगे फिर ये 350 वाला आपको 10 टू 15 मिनट्स का होगा एंड ये 25 टू 30 मिनट्स 10 15 मिनट वाले चाहिए तीन दे दो 10 15 नहीं 2 मिनट फिर ये फर्क तो कितना हो 150 तो फर्क है एक 350 हां 150 के ही फर्क है सर मतलब डबल डिस्टेंस का ही जाएगा मतलब जो ये जा रहा है ना इससे डबल डिस्टेंस का जाएगा जे कितने 10 मिनट 10 से 15 मिनट सर जे 25 से 30 मिनट तो पहले डैडी दी वारी सब तो छोटा मिले बकरी ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਡਾਲ ਲਵਾਂ ਉੱਠ ਕਰ ਸ਼ੇਰਾ ਉੱਠ ਕਰ ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕ ਜੀ ਰੁਕ ਜਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲ ਜਿਓ ਡੈਡੀ ਆ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉੱਠਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਨੂੰ ਬਿਠਾ ਤਾ ਉੱਪਰ ਛੋ ਦਦੂ ਗਦਾ ਬਦਲਦਾ ਬੈੜਾ ਸਾਡਾ ਛੋ ਯਾਰ ਆਪ ਸ਼ੇਰਾ ਉੱਠ उठ जाए इसका नाम क्या है साधु है साधु और इसका छो ये मधु मधु साधु साधु अबे
साधु उठ जा उठ जा साधु उठा मेन किदा दा रहा उठ के किदा दा लगदा फिर उठ के दा मेरा हैग तो सारे तो उच्चा है घाटे दा जा खोतियां नहीं है जगह नु गदी है सारे ने तरह भी तू नहीं ताडी साधु आ मेरी मधु आ ए मुंडा या साधु ए मधु आ कुड़ियां चंगियां होंदियां मेरी मधु है कुड़ी है कुड़ी आ भी कुड़ी है बच्चा नाल तुरिया साडे मम्मी पापा दे भी ये सारे एक दे विच एक बड़े हो गए छोटे शरारती हुंदे मेरा मुंह लो ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਬਿਨਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਉਂਠ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਤੇ ਬਹੂਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਮੂਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਢੀਠ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗੇ ਖੁੱਲੇ ਤਿੰਨ ਕੱਪ ਚਾਹੀਦੇ ਬਹੁਤ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਆ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਆ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਮੋ ਨੇ ਖਲਾਏ ਬਸ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆ ਇਹ ਬਸ ਉਹਦਾ ਆਹੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਉੱਥੇ ਚੜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਗਾਰੇ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਤੇ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਨਾਲੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਕਿਆ ਅੱਛਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਣੂਗਾ ਮੁਰਗਾ ਬਾਈ ਸ਼ੈਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਗਾੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਲਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਠੰਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਹਿਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀ ਦੇਖੋ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਬੈਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖਾਲੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਪਰੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਵਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਸ ਦੋ ਦੋ